स्टार्ट नई वीडियो है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। तो इसको सेट करना है पहले, उसके बाद स्टार्ट करना है। तो दोस्तों पहले देखिए जो प्लान यहाँ पर ड्रॉ करना है मुझे, तो अभी ड्रॉ करते हो तो एक बार देख लीजिए पूरा। तो आज जो प्लान होगा, ये प्लान बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है। इसमें कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया हो, तो उसका पहले देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए इस टाइप का प्लान आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट जो ड्रॉ था वो ड्रॉ मैंने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो वॉल भी हो रहा है अभी यहाँ पर ड्रॉ करते हो, तो यह कर दिया। इसके बाद यहाँ पर भी एक 5 इंच का वॉल होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं 5 इंच यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आउटसाइड का वॉल आपका कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक मुझे करना है एक प्लानिंग, तो आ गया। इसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद यहाँ पर भी हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक यहाँ पर भी एक देखिए वाला गया, तो उसके बाद कंप्लीट हो गया। तो यह में क्या क्या है देखिए इसमें, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक बार देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर, उसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन अभी हो रहा है, तो उसको ध्यान से आप देखिए यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इस टाइप का प्लान यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है यहीं पर भी है। इसके बाद जो एक चीज़ है यहीं पर, और इसमें थोड़ा सा चेंज, और इसके बाद यहाँ पर मैंने कर दिया इस इतना तक एक देखिए एक प्लान, जिसमें वॉल इसमें भी वॉल, इसमें वॉल, इसमें भी वॉल। तो उसके बाद यहाँ पर तो आ गया आपका जो मेन गेट, आप गेट। ओके, तो प्लान में क्या क्या है देखिए पहले। इसका मतलब यही हुआ कि दोस्तों यहीं पर आपका स्टेयर आएगा। ठीक है, तो स्टेयर का जो पोर्शन आएगा, तो यहाँ पर मैं स्टेयर को एक बार ड्रा करके देखिए, तो आ गया। इसके बाद यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, तो इधर से होता है आप इधर आकर ऊपर में जाने का रास्ता है। ठीक है, तो चलिए नीचे में क्या क्या है एक बार देख लीजिए। नीचे में जो है यहाँ पर एक बेडरूम, तो एक्चुअल इसका जो साइज है 14 फीट का, इधर से 14 फीट का, ओके, और इधर का जो मेज़रमेंट है 30 फीट का, ओके। तो दोस्तों 14x30 का देखिए एक बेडरूम आ गया, तो इसमें जो डोर तो यहाँ पर प्रोवाइड करना है आपको, तो इसका जो मेज़रमेंट 13 फीट 2 इंच, ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में और दिस डायरेक्शन में 10 फीट का, ओके, तो हो गया इस टाइप का। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बाथ एंड लैट्रिन दोनों एक साथ है यहाँ पर, तो इधर जो मेज़रमेंट है 4 फीट का। आप दोनों का अलग अलग यहाँ पर डोर देकर अलग अलग पार्टीशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है,
आपको अगर चाहिए तो आप पार्टीशन यहाँ पर कर दीजिए, आपको नहीं चाहिए तो आप पार्टीशन मत कीजिए, आपको एक साथ रख दीजिए, क्योंकि ये 8 फीट का एक एरिया है। यहाँ पर जो है 4 फीट 9 इंच का जगह यहाँ पर आपका बचा हुआ है, आप कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो यहाँ का जो एक डोर, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, यहाँ पर एक डाइनिंग है, तो डाइनिंग का और यहाँ पर एक किचन, किचन का जो साइज देखिए यहाँ पर 5 फीट का, ओके दोस्तों 5 फीट, और इधर का जो साइज है 5 फीट 4 इंच का, तो इधर जो गेट है इधर 4 फीट का गेट, ठीक है, तो आप गेट से अंदर आइए, उसके बाद डाइनिंग को आप यूज़ कीजिए, डाइनिंग जो है 9 फीट 9 इंच का इधर, और इधर का जो साइज है 5 फीट 6 इंच का, ओके, तो आप पहले डाइनिंग पर आइए, उसके बाद आप किचन डाइनिंग यूज़ कीजिए, उसके बाद अंदर जाइए टॉयलेट और बेडरूम आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो बात है, देखिए इधर से आप ऊपर जाने के बाद इधर आप किचन का हटा दीजिए, ऊपर में हट के यहाँ पर एक हॉल रूम कर दीजिए ऊपर में, ठीक है, तो आपका किचन में यहाँ पर एक विंडो, जो आपका जो मेन जो पार्ट है अभी, तो कहाँ पर आपका विंडो आएगा, देखिए विंडो आपका पॉसिबल है तो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं विंडो, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप विंडो मत प्रोवाइड कीजिए, आपको जिस साइड पर विंडो देने का प्रोविशन है आप वहाँ पर विंडो प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पर आपको विंडो देने का कोई प्रोविशन नहीं है आप विंडो कैसे देंगे, वहाँ पर नहीं देना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो फॉन्ट है, यहाँ पर फॉन्ट आपका जिस भी डायरेक्शन में चाहिए आप वहाँ पर बैठे दीजिए इसको, बैठिए, तो यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर आप विंडो प्रोवाइड कीजिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं कलर करके आपके साथ अभी दिखाता हूँ जी कैसे आएगा यहाँ पर, कहाँ पर देखिए ये जो आपका वॉल इस टाइप का आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपका देखिए हम जहाँ पर कलर कर रहे हैं यहाँ पर वॉल आएगा, ठीक है, स्टेयर वॉल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा आपका जो बचा हुआ जगह है ना वो बच जाएगा, तो आपका थोड़ा जगह भी बच जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने एक भी जगह को नहीं छोड़ा, कहीं भी एक भी जगह को वेस्टेज नहीं किया, पूरा जगह को मैंने यूटिलाइज़ किया, कहाँ पर कैसे देना है, ठीक है दोस्तों। जो और एक बात जो है आपको चाहिए अभी कलम का पोजीशन, ठीक है, तो कलम कहाँ पर देना है आपको, चलिए वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी जो कलम है, देखिए ये जो पोर्शन है यहाँ पर आप कलम प्रोवाइड कीजिए, यहाँ पर भी एक कलम प्रोवाइड कीजिए आप, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप कलम प्रोवाइड कीजिए, तो यहाँ पर और भी एक कलम होना चाहिए, यहाँ पर भी एक कलम होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 30 फीट है ना, आप यहाँ पर भी आपको तो कलम देना ही होगा, तो उसके बाद यहाँ पर तो आपको कलम देना होगा, और यहाँ पर भी एक कर दीजिए कलम प्रोवाइड, और ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर जो जगह हो है यहाँ पर आप कलम एक पोर्शन प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको 1 2 3 4, तो देखिए अंदर में जो कलम आप प्रोवाइड कर सकते हैं, छोटा जो स्टील कलम यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको अगर ज़रूरत है तो आप यहाँ पर भी छोटा छोटा कलम यूज़ कर सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिक का जो कनेक्शन है वो अच्छा होता है। तो दोस्तों देखिए प्लान को और एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, प्लान अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, और प्लान के बारे में कुछ भी अगर जानना है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते। चलिए दोस्तों वीडियो एक बार ख़त्म करते, बाय।